मेहुल को खुफिया एजेंसी से खबर मिलती है कि एक बड़े नेताजी ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर देश का अरबों रुपए स्विस बैंक में जमा कर दिया है। मेहुल को तीन नेताओं पे डाउट जाता है तो वो एक एक करके तीनों के घर जाता है। यह है पहले नेताजी का घर, यह है दूसरे नेताजी का घर और यह है तीसरे नेताजी का घर। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि स्विस बैंक भेजने वाले नेताजी कौन हो सकते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? वाह, नेताजी थ्री का घर तो बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन इतनी महंगी बाइक और इतनी महंगी कार, जरूर कुछ गड़बड़ है। नेताजी के बारे में जानने के लिए मेहुल उनके गांव जाता है और थोड़ा गांव में घूमता है समझने के लिए कि गांव में कितनी तरक्की हुई है। इंटरेस्टिंग, नेताजी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए और अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तभी मेहुल का ध्यान एक बहुत ही सुंदर बंगलो पे जाता है। इंटरेस्टिंग, इन सब झोपड़ के बीच में इतना सुंदर घर। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं ये घर देख के मेहुल को क्या डाउट आया होगा? नेताजी ने लगता है सारा पैसा यहाँ इस घर पे लगाया है जिससे किसी को शक ना हो। शहर में बड़े नॉर्मल से रह रहे हैं, मामले को और समझना होगा और नेताजी के खिलाफ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। मेहुल घर के अंदर जाता है और नौकर से नेताजी के बारे में पूछता है तो नौकर बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है। यहाँ अक्सर नौकर बदलते रहते हैं, वो नया है और नेताजी तो सालों से शहर में रह रहे हैं। मेहुल को उसकी बातों पे एकदम यकीन नहीं होता। मेहुल फिर घर से बाहर आता है तो उसे दो लोग दिखते हैं। क्या बता सकते हैं दोनों में से मेहुल किसके पास जा सकता है पूछताछ करने के लिए? मेहुल बूढ़े आदमी के पास जाएगा क्योंकि नेताजी तो सालों से शहर में रह रहे हैं तो बच्चे को तो कुछ खास पता नहीं होगा। मेहुल बूढ़े आदमी के पास जाता है और नेताजी के बारे में पूछता है तो बूढ़ा आदमी बताता है, बेटा क्या बताए, वो नेता और मैं सेम क्लास में थे। वो बहुत बदमाश था। गांव का सरपंच बनने के बाद उसने अपनी जेब भरना शुरू कर दिया और फिर अगली बार MLA बन गया और उसके बाद शहर चला गया। इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल ने रिकॉर्डर ऑन कर रखा था और सारे सबूतों को रिकॉर्ड कर रहा था। मेहुल और सबूत इकट्ठा करने के लिए घर के पीछे साइड जाता है तो उसे वहां एक बड़ा सा हिंट मिलता है। लॉजिकल आर्मी, सोचिए मेहुल को क्या हिंट मिला। इंटरेस्टिंग, घर के पीछे ये बड़ा सा गोडाउन कैसा और यहाँ ट्रक के टायर्स के निशान है। अब नेताजी तो शहर में है तो यहाँ ट्रक क्यों आया होगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल फोन निकालता है और सारे सबूतों के फोटोज ले लेता है। तभी मेहुल को पास में एक बच्चा खेलते हुए दिखता है। क्या तुम बता सकते हो यहाँ ट्रक कब कब आता है? तो बच्चा बताता है कि हर दूसरे तीसरे दिन पे यहाँ एक ट्रक आता है और बड़े बड़े बॉक्सेस उसमें से नीचे उतरते हैं। मेहुल वहीं रुक जाता है और ट्रक आने का इंतजार करने लगता है। उसी शाम वहाँ एक ट्रक आता है और बड़े बड़े बॉक्सेस ट्रक से नीचे उतरते हैं और गोडाउन के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रक खाली हो जाता है और वहां से चला जाता है। मेहुल गोडाउन के सामने आ जाता है। गोडाउन लॉक्ड है। गोडाउन को ओपन करने के लिए ये मैचस्टिक रिडल सॉल्व करना होगा। बस दो मैचस्टिक मूव करके इस इक्वेशन को फिक्स करना है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन से दो मैचस्टिक आप मूव करेंगे। सिंपल है, 3 की मैचस्टिक को ऐसे मूव करके आप 5 बना सकते हैं और दोनों मैचस्टिक को मूव करके 2 5 हो जाएंगे और 5 + 5 हो जाएगा 10। मेहुल इक्वेशन करेक्ट करता है और गोडाउन ओपन कर लेता है। लॉजिकल आर्मी, मैंने भी आपके लिए एक मैचस्टिक गेम बनाया है। गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। गेम में 500 से भी ज्यादा लेवल है तो वीडियो के बाद गेम को डाउनलोड कर लीजिए। मेहुल गोडाउन के अंदर जाता है तो वहां बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए होते हैं। मेहुल एक बॉक्स खोलता है तो देख के शॉक हो जाता है। बॉक्स पूरा पैसों से भरा हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब नेताजी सारा पैसा अपने गांव के घर में जमा करते हैं और फिर स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। मेहुल मोबाइल निकालता है और सारे सबूतों की फोटोज ले लेता है। मेहुल को पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें किसी दाऊ का नाम होता है। ये तो स्विस बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, ये दाऊ कौन है? और ये डॉक्यूमेंट्स तो काफी पुराने लग रहे हैं, लेकिन इसमें दाऊ का नाम और साइन क्यों है? मेहुल डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखता है तो उसे डॉक्यूमेंट्स नकली लगते हैं। क्यों, मेहुल को डॉक्यूमेंट्स नकली क्यों लगते हैं? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? कोई बैंक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उल्टा साइन नहीं कर सकता।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी नकली है और ये सिग्नेचर भी नकली है। मुझे ये दाऊ का पता करना होगा। मेहुल अपने खुफिया सोर्सेस से नेताजी के दोस्तों का पता लगाता है तो उसे दाऊ का पता चल जाता है। दाऊ शहर में रहता है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और उनके घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है तो उसे वहां तीन लोग दिखते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से दाऊ कौन है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए तो यंग लड़का लग रहा है। मेहुल को पुराने पेपर्स मिले थे जिसपे दाऊ के साइन थे और दाऊ नेताजी का दोस्त भी है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा तो माली लग रहा है। तीसरा धोती वाला आदमी ही दाऊ होगा। मेहुल उसके पास जाता है और उसे पूछताछ करता है। तो दाऊ बताता है कि मैं और नेताजी तो बहुत अच्छे दोस्त थे, हम दोनों अच्छी तरक्की कर रहे थे, लेकिन फिर नेताजी ने बुरे काम चालू कर दिए, गलत तरीकों से पैसा कमाना चालू कर दिया, करप्शन करने लगे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। कई सालों से अब हम मिले भी नहीं है। फिर मेहुल दाऊ को गोडाउन में मिले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है तो दाऊ शॉक हो जाता है। मतलब आपको भी नहीं पता है, आपके पुराने साइंस के बलबूते आपके नाम से पैसा स्विस बैंक में भेजा जा रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दाऊ मेहुल को बताता है कि फिरोज अभी भी नेताजी के साथ काम कर रहा है, उससे काफी इन्फो मिल सकती है। दाऊ फिरोज को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कॉल मी। फिरोज का तुरंत कॉल आ जाता है। दाऊ कॉल को स्पीकर पे रख देते हैं। नंबर देखते से मेहुल समझ जाता है कि फिरोज भी नेताजी के साथ स्विस बैंक मनी ट्रांसफर में मिला हुआ है, लेकिन कैसे, क्या आप सोच सकते हैं? नंबर का कोड देखिए +41 है, ये स्विट्जरलैंड का कोड है और स्विस बैंक वही है, मतलब फिरोज से काफी राज खुल सकते हैं। दाव फिरोज से पूछते हैं कि वो वहां क्या कर रहा है। तो फिरोज बताता है कि वो 500 करोड़ रुपए यहाँ जमा करने आया है। मेहुल ये पूरा कॉल भी रिकॉर्ड कर लेता है। 500 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम इंडिया से वहां पहुंचा दिया, ये नेताजी बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। ये फिरोज ही नेताजी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, इससे सब पता करना होगा। दाऊ बताते हैं कि फिरोज अपनी पत्नी के साथ इसी शहर में रहता है। मेहुल अपनी कार निकालता है और तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। मेहुल उसके घर पहुंच के पूरी सच्चाई उसकी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी रोने लगती है और फिरोज को कॉल करके उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है। वो फिरोज से कहती है कि सबसे पहले देश से प्रेम, उसके बाद सब कुछ, और बहुत दुखी हो जाती है। अपनी पत्नी को ऐसा देख फिरोज मेहुल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और पूरा पैसा वापस लेके इंडिया आ जाता है। ये बात नेताजी तक पहुंच जाती है। नेताजी फिरोज को मारने के लिए एयरपोर्ट पे गुंडे भेज देते हैं। मेहुल फिरोज को लेने एयरपोर्ट जाता है। मेहुल आजू बाजू लोगों को देखता है और समझ जाता है कि कुछ गुंडे उसके आसपास में हैं। क्या आप इस एयरपोर्ट सीन को देख के बता सकते हैं यहां कितने गुंडे हैं? यहां टोटल 4 गुंडे हैं। ये 4 मेहुल गुंडों को पहचान लेता है और एक एक करके चारों को किक लगाता है। गुंडे दूर जाके गिरते हैं। फिर मेहुल फिरोज को बचाते हुए सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है और पुलिस को सारे सबूत दिखाता है और फिरोज भी अपना बयान दे देता है। पुलिस नेताजी को पकड़ लेती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। थैंक यू।